हेलो दोस्तों, मैं सुदीप कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है एक पेन ड्राइव की सीरीज है, किसकी? टैलो की। जी हाँ, टैलो की पेन ड्राइव कैलकुलेशन लिस्ट ऑनलाइन सर्वर से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट टाइम देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छी तरह की वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे दी है और ये हमारा टैब्लू ओपन है। अब इस टैब्लू में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं डेटा ऐड करने की। तो हमें एक्सेल फाइल हमने लिया और एक्सेल फाइल हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा होने में, फिर बहुत सारे शीट्स ड्रैग कर दी हमारे पास। अब इसमें कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन क्यों जरूरत होती है? क्योंकि डेटा जो आप इंपोर्ट करते हो वो आपके तरीके से सही ढंग से कैलकुलेट होती है, जो नहीं आया तो आपको अपनी खुद की कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन कई तरह की, क्योंकि कैलकुलेशन दूसरी होती है आपकी फंक्शन अप्लाई करना। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लीजिए कि मेरी क्वांटिटी 69 है और सेल्स में 136। मुझे यहाँ पर रेट निकालना है कि पर कॉल कितनी सेल हुई है। जी हाँ, पर कॉल कितनी सेल हुई है। तो हमने क्या किया, सिंपल से यहाँ पे दो डॉट लाइन बना हुआ, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड और यहाँ पे हमने टोटल कॉल डिवाइड बाई क्वांटिटी हमने डाल दिया। यहाँ सिंपल मैथमेटिकल टाइप किया और यहाँ पे ऊपर जो हेडिंग टाइप हेडिंग होता है वो हेडिंग चेंज कर सकते हैं, एक सेल पर कॉल हेडिंग डाल दिया। देन अप्लाई कीजिए, देखिए एक नया टैब यहाँ ऐड हो गया और इसकी कैलकुलेशन 1.9 पॉइंट्स में है सारा। अब इसकी फॉर्मेटिंग भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ यहाँ से फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं कि डेट है, नंबर है, होल नंबर करना है तो होल नंबर डेसिमल से डेसिमल करना है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आप फॉर्मेटिंग पे नहीं जाते, हम कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मुझे फंक्शन अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ सामने मुझे डे का मंथ निकालना है। मंथ निकालना है, हालांकि अब जब डेट या जो मान लीजिए मैं डेट बाय रिपोर्ट बनाता हूँ मंथ मंथ बाय, तो डेट को मैं रो में रख दिया और मान लीजिए मैंने क्वांटिटी को रख दिया यहाँ नीचे और मैं इसको रोटेट कर देता हूँ आ गया यहाँ और डेट को मैं ऊपर देता हूँ। तो इस तरह से अलग अलग मंथ वाइज भी टोटल मुझे दिख जा रहा है। मैं मंथ वाइज ही चाहता हूँ या अपने हिसाब का मंथ वाइज ही चाहता हूँ, इस तरह चेंज ना कर सके, क्योंकि डेट भी तो आपको चेंज करके देख सकता है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पे हम देते हैं मंथ। हालांकि अगर मंथ नंबर में चाहिए तो आपके सामने मंथ का फॉर्मूला है, इसमें डे का। अभी कोई फील्ड सिलेक्ट करते समय से डे हो गया, फॉर्मूला होता है कि मैं डे का डाल के सिलेक्ट कर लिया, इसका आगे एक अच्छा सिंबल लगा है, तो ये अपने आप को फंक्शन समझता है, न कि आपके कॉलम पे डेट फील्ड है। डेट फील्ड के सामने इस तरह कैलेंडर लगा हुआ है या फिर एबीसी लगा हुआ, तो आप उसको ले सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे दिए दस कर ले, जैसे फॉर्मूला गलत होगा तो आप डाल गलत है, मैं इसको अप्लाई कर दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे 1 2 3 जनवरी फरवरी चाहिए, तो मैं वापस इसको एडिट करता हूँ
और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे मंथ में, जी हाँ मंथ में का कॉमा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक था, मंथ नेम, मंथ नेम नहीं डेट नेम होता, माफ कीजिएगा भूल गया मैं, क्योंकि एक्सेल में मंथ नेम होता है ना, और अभी मैं दिन में करीब 12 क्लासेस एक्सेल कर रहा हूँ तो दिमाग में एक्सेल ही चल रहा है। अब यहाँ पे डेट पार्ट यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं सिंगल कोट लगेगा, वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि क्या लगाना है। और फिर यहाँ और यहाँ पे जो लिखेंगे स्मॉल में लिखेंगे तो एम को कैपिटल मत कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे डेट, तो हम यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कैलकुलेशन बैलेंस दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ एम को बड़ा कर दिया, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना मेरी तरह आप भी जो है ना थोड़ा परेशान हो सकते हैं। देन अप्लाई, देन ओके। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन फाइंड इट, कि फंक्शन लिस्ट आपको कैसे लिस्ट मिलेगा तो भूल गए तो हाफ नंबर। तो देखिए टैबलू के हेल्प जो टैबले पे जाते हैं तो यहाँ आपको फंक्शन का लिस्ट मिलता है, फंक्शन बाय कैटेगरी, यहीं पे आपको फंक्शन का लिस्ट मिलता है, ये सब फंक्शन लिस्ट कैटेगरी कैटेगरी बाय उठा सकते हो। ये लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, या फिर नोट पेज के रिलेटेड नोट टाइप की फाइल है उसमें डाल देता हूँ, आप उसमें जाके सारे लिस्ट फंक्शन देख लीजिएगा। अब अगली वीडियो को करने से पहले एक बार सारे फंक्शन को एक बार अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि अगली आने वाली 50 वीडियो सिर्फ हमारे फंक्शन ही होंगे किस तरह से कैलकुलेशन और फंक्शन किया जाए। तो एक बार इस आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से रीड आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू, वीडियो साथ तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमारे पेंडर बनना चाहते हैं तो वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम हो एक्सेल से, वीवीएस से, टैबलू से, पावर बीआई से, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पे दिया हुआ है। थैंक यू।